दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के बाद शुक्रवार को डीएवी डिग्री कॉलेज का छात्र संघ चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न करा लिया गया। डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव अधिकारी श्री मणि त्रिपाठी की देखरेख में मतदान कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें कुल 1400 पंजीकृत मतदाताओं में से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम तक मतगणना कार्य संपन्न हुआ। मतगणना कार्य समाप्त होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के गौरव पांडे ने जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सत्यम जायसवाल ने निर्विरोध जीत हासिल की और महामंत्री में रजत शर्मा विजयी घोषित किए गए। इसी क्रम में पुस्तकालय मंत्री में शिवम गुप्ता और कला संकाय प्रतिनिधि पद पर मंगल शर्मा ने जीत हासिल की। आपको बताते चलें कि अध्यक्ष में विजयी प्रत्याशी गौरव पांडे ने कुल 285 वोट प्राप्त किए। उपाध्यक्ष में विजयी प्रत्याशी सत्यम जायसवाल निर्विरोध, महामंत्री में विजयी घोषित तथा रजत गुप्ता ने कुल 187 मत प्राप्त किए। पुस्तकालय मंत्री में विजयी शिवम गुप्ता ने कुल 289 मत प्राप्त किए और कला संकाय प्रतिनिधि पद में मंगल शर्मा निर्विरोध चुने गए। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव अधिकारी ने छात्र संघ के 9 निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी ने कहा, फोटो खींचे अपना नाम लो। गौरव कुमार पांडे सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि डीएवी पीजी कॉलेज गोरखपुर के छात्र संघ के अध्यक्ष पद के दायित्व का सत्यनिष्ठा पूर्वक पालन करूंगा और अपनी योग्यता की उत्कृष्टम सीमा तक इसके लक्ष्यों को पूरा करूंगा और छात्र संघ के अध्यादेशों में वर्णित विधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और अपने आप को छात्र संघ के सदस्यों के कल्याण जो सेवा में अर्पित करूंगा। मुस्कुराते हुए गीतपुर डीएवी कॉलेज महाविद्यालय में आज छात्र संघ का चुनाव हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से और इसके 3 पदों पर मत डाले गए हैं। पहला अध्यक्ष पद, दूसरा
महामंत्री और तीसरा पुस्तकालय मंत्री को। अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार खड़े थे, गौरव पांडे, रंजीत कुमार, सचिन साहनी। गौरव पांडे को 285 मत मिले, रंजीत कुमार को 122 मत मिले, सचिन साहनी को 115 मत मिले और इस प्रकार गौरव कुमार पांडे रंजीत कुमार से 163 मतों से विजयी घोषित किए गए। और महामंत्री उपाध्यक्ष है, महामंत्री में उपाध्यक्ष पद पर हमारे यहाँ निर्विरोध मतदान निर्विरोध हुआ है उपाध्यक्ष, क्योंकि एक का पर्चा खारिज हो गया था और उसका पर्चा वैध हुआ, इसलिए वो निर्विरोध हो गया। महामंत्री में 4 उम्मीदवार हमारे यहाँ मैदान में थे, आनंद कुमार त्रिपाठी, दयानंद मिश्र, फैज अली, रजत कुमार गुप्ता। ये चारों उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें आनंद कुमार त्रिपाठी को 158 वोट, दयानंद मिश्रा को 94 वोट, फैज अली को 81 वोट, रजत कुमार गुप्ता को 187 वोट मिले। 16 वोट अवैध हुए। इस प्रकार रजत कुमार गुप्ता को निकटतम प्रतिद्वंदी आनंद कुमार त्रिपाठी से 29 मतों से विजयी घोषित किया गया। पुस्तकालय मंत्री पद पर मतदान हुए, दो उम्मीदवार थे, मनीष विश्वकर्मा और शिवम गुप्ता। मनीष विश्वकर्मा को 232 मत मिले, शिवम गुप्ता को 180 मत मिले। इस प्रकार शिवम गुप्ता को 57 मतों से विजयी घोषित किया।